उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, यहां सभी आदरणीय अभ्यागत वर्ग, अन्य सभी प्रतिष्ठित सम्माननीय महानुभाव व प्रिय छात्र छात्राओं, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री जयराम विद्यापीठ के द्वारा मुझे श्री गीता जयंती महोत्सव 2012 में आमंत्रित किया गया। श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी ब्रह्मचारी अध्यक्ष श्री जयराम विद्यापीठ, श्री जयराम विद्यापीठ की प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं श्री जयराम विद्यापीठ का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आज इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यद्यपि मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं, मैं यही छठी से लेकर एमकॉम तक मैं यही छात्र रहा। छठी से दसवीं, जैसे बताया गया, श्रीमद् भगवत गीता विद्यालय में मैं छात्र रहा 1967 से 72 तक। 1972 में मैंने वहां से दसवीं की और मुझे यह सौभाग्य मिला कि छठी से दसवीं तक 5 वर्ष तक मुझे संस्कृत भाषा पढ़ने का सौभाग्य मिला। मेरा ये मत है कि संस्कृत भाषा के बिना एक भारतीय की मैं नहीं मानता कि सदगति होती है। सभी भाषाओं का मूल है, ये मातृभाषा है, मृत भाषा नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये देव भाषा है। इसके बिना कोई भाषा पूर्ण नहीं होती हमारे भारतवर्ष में। और विशेष तौर पर गीता श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता का जो आयोजन आज किया गया है वह एक सराहनीय कदम है। बड़ा कष्ट होता है ये सोचकर कि आजकल कि हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, संस्कृत कहिए या श्री गीता जी की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं है, बच्चों का या अध्यापकों का कहिए, समाज का नहीं है। आज की इस प्रतियोगिता में 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। पर एक बात से मुझे बहुत पीड़ा हुई है, वो है उच्चारण। अधिकांश छात्र छात्राओं का उच्चारण शुद्ध नहीं था और इसमें मैं अध्यापक गण की कमी मानता हूं। बहुत से ऐसे शब्द, जब कोई भी आप भाषा ले लीजिए, अगर आप अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो आपका जो प्रभाव है वो वैसे ही आधा रह जाता है। तो आज गीता जयंती समारोह में आप सभी बच्चों ने यहां प्रस्तुति दी। अब गीता का जो महात्म्य है आप सभी जानते हैं। अब उसके महात्म्य के बारे में बहुत से जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। तो जैसे कहा गया कि मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम, कि जिस प्रकार से हम हर रोज स्नान करते हैं जल से और अपने मल का त्याग करते हैं, अपनी सफाई करते हैं शरीर की, तो गीता रूपी जो जल है अगर आप उसमें एक बार भी स्नान कर लेते हैं तो पूरे भव सागर के मल का विनाश उससे हो जाता है और बार बार आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं।
गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये ही शास्त्र विस्तरई ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। ये श्लोक तो बहुत बच्चों ने भी कहा है और ये सबसे ज्यादा मैं मानता हूं सबसे ज्यादा प्रचलन में है, इसको बहुत से लोग जानते हैं। तो गीता जब आप पढ़ लेते हैं तो अन्य किसी शास्त्र के उसमें आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं विष्णु जी के कृष्ण जी के द्वारा विष्णु जी के उसमें मुख से ये निकली हुई है। और गीता जो है कहा गया कि सर्वस्व महाभारत का जल है। भारतामृत सर्वस्वम विश्ववक्त्रात् विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि गंगा जो है वो भगवान के चरणों से निकली और गीता भगवान के मुख से निकली। यद्यपि भगवान के चरणों में और मुख में कोई अंतर नहीं है, परंतु गीता का जो महत्व है वो गंगा जल से भी अधिक है। कि अगर गीता रूपी गंगा जल का कोई सेवन करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो इससे बड़ी बात आप क्या हो सकती है। तो गीता का जो महत्व है, और एक और उस इसके बारे में कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कि सभी उपनिषदों का उनको अगर गाय मान लें और भगवान जी उसको गाय तो दुह रहे हैं और अर्जुन जी उसका जो है बछड़े के समान है और जो भी समस्त जो संसार के लोग हैं वो उस दुग्ध का पान कर रहे हैं, तो ये गीता है। और बड़ा कई बार आश्चर्य भी होता है कि इतना होने के बाद भी गीता का जो महत्व है वो बहुत कम लोगों तक सीमित है। तो मैं इस प्रकार की प्रतियोगिता जो आयोजित की गई है, इस प्रकार के जो भी आयोजन होते हैं वे होते रहने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों तक जो गीता का सार है वो जाए। और आप सभी जानते हैं कि गीता में कितना उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। वही अर्जुन जो पहले अध्याय में प्रारंभ में कहते हैं जब लड़ाई के रण क्षेत्र में हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि गांडीवम संसते हस्तात् त्वक् चैव परिनयते न च शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमति वच मे मन। ये भगवान कि मेरे तो हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं तो खड़ा होने में भी असमर्थ नहीं हूं, मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण फिर उनको कई तरह की बातें कहते हैं और अर्जुन फिर भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीविते नवा ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। कि जिनके लिए आप कह रहे हैं मैं लड़ाई करके जीत जाऊं वही सगी सारे सगे संबंधी प्राणों को और धन को छोड़कर युद्ध भूमि में यहां मरने के लिए आतुर हैं, तो मैं क्या करूंगा उस राज्य का। तो यहां तक भी फिर अर्जुन जी कहते हैं कि एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम्नु महीकृते। कि ये यदि मुझे मार भी दें तब भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आप ये यहां का जो राज्य है धरती का उसको भोगोगे। मैं कहता हूं मैं तीन लोकों का राज्य भी अगर मुझे मिलता है इनको मारकर उसके लिए भी मैं तैयार नहीं। उस पर फिर भगवान थोड़ा सा अपना जो उपदेश है उसमें थोड़ा सा, जैसे कई बार आदमी जब लगता है कि वो बात उनकी मानी नहीं जा रही तो फिर वो कहते हैं कि क्लैप्यम मास्तमकम पार्थ नई तत्वते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतव। कि हे पार्थ नपुंसकता को मत प्राप्त हो,
आप ये जो दिल छोटा कर रहे हो इसकी इस क्षुद्रता को छोड़कर आप युद्ध के लिए निश्चय करके आप आइए रणभूमि में। और फिर वो बताते हैं जब अर्जुन जी कहते हैं कि ये सारे मेरे सगे संबंधी हैं सभी मारे जाएंगे तो मैं किस के लिए राज्य को भोगूंगा, तो फिर वो आत्मा के बारे में कहते हैं। बहुत से बच्चों ने श्लोक यहाँ पे बताए कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये आत्मा है, शरीर का ही नाश होता है, इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ना कोई इसको मार सकता है ना ये किसी के द्वारा मारा जाता है, तो आप इस बारे में कोई ऐसा आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और उस पर बाकी बच्चों ने बताया कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसके बाद भी उन पे असर नहीं होता है, तो फिर भगवान और थोड़ा सा उनको आगे विस्तार से बताते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे तत्त्वं शोचितुमर्हसि। जो पैदा हुआ है इस संसार में उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म निश्चित है, तो इस अपरिहार्य विषय में आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, कोई इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कि मरने अगर आप मारे जाते हैं युद्ध में तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप जीत जाते हैं तो आप धरती के राज्य को भोगेंगे। कि आप इसका मतलब कहने का यह था कि दोनों हाथों में जिसे लड्डू हम कहते हैं कि आपका हारने में भी कोई नुकसान नहीं है और जीतने में तो आपको सारा राज्य मिलेगा ही। और फिर उसके बाद जो कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां फर्मकल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। इसकी जो दूसरी लाइन है और उसका भी जो आधा अंश है बात का वो अधिक महत्वपूर्ण है कि कर्म में ही आपका अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, तो इसलिए आप फल की इच्छा मत करो। तो जो इसमें अंत में जो चतुर्थांश इसका श्लोक का है कि माते संगोस्त्व कर्मणि, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं ये सोचकर कि जी फल कर्म का मुझे कुछ मिलना तो है नहीं, तो कर्म किस लिए करूं, कि जो इनएक्शन है कर्म ना करना अकर्मण्यता, उसमें आपकी अटैचमेंट ना हो, आप ये ना सोचो कि कहीं मिलना कुछ नहीं है कोई लाभ नहीं होना है तो आप कर्म करना ही छोड़ दो। तो ये इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिया। और फिर योग के बारे में कहा गया कि योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग की उच्चते। एक्वानिमिटी कि आप सुख में और दुख में एक समान रहें। कई बार आप देखते हैं कि आदमी खुशी से भी पागल हो जाता है और गम से भी पागल हो जाता है, तो वो कहते हैं कि आप अपना बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखिए, समत्व योग जिसे कहते हैं कि आप सुख में और दुख में एक समान रहें, वो समत्व योग है। और उसके बाद कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो उसके बाद वो कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम का जो संदेश है कृष्ण जी को देते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए, कि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं लग रही है, तो फिर वो कछुए का उदाहरण देते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठिता। कि जैसे कछुआ सारे अंग अपने में समेट लेता है, उसी प्रकार से आप इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाइए, अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और युद्ध की तरफ आप सोचिए। और फिर क्रोध के बारे में दो श्लोक गीता जी में बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे अध्याय में ही है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति।
वो क्रोध के बारे में कहते हैं कि क्रोध जब आदमी करता है तो उससे उसकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है, बुद्धि का जो है नाश हो जाता है। उसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो सुपीरियर है एक्शन से, कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, कि जब आप खुद कह रहे हैं, खुद मानते हैं कि जो ज्ञान है वो कर्म से श्रेष्ठ कर है, तो आप मुझे इस कठोर कर्म में क्यों आप मुझे लगा रहे हैं। और फिर कहते हैं अगले ही श्लोक में जो तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है कि व्यामिश्रेणे वो वाक्यन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। तो कहते हैं जी मुझे एक ही चीज बताइए, दुविधा में मत डालिए, या तो आप बात कर्म की करिए या ज्ञान की करिए, दोनों चीजों में उलझा के आप मेरी बुद्धि को और भ्रमित कर रहे हैं। तो वो उसमें कहते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो सबसे बड़े सेनानी हैं पांडव सेना के, और आप ही ऐसे हथियार डाल देंगे, ये सारा जो युद्ध जीतना है ये आपके दम पर ही जीता जाना है। तो वो कहते हैं कि जो श्रेष्ठ आदमी है, जो कर्म करता है, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत् देवे तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तदनुवर्तते, कि जो बड़ा आदमी जैसा काम करेगा दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए आप इस चिंता में मत पड़िए, अपना जो कर्म है वो करते रहिए। और कर्म के बारे में भी कहा कि ये कर्म बहुत विचित्र बात है, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षते शुभात, कि कवि लोग भी जो हैं, जो बड़े मूर्धन्य जो विद्वान हैं, वो भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तो इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वो ज्ञान दूंगा जिससे आपको शुभ की प्राप्ति होगी। और भगवान जी कहते हैं कि आप मेरे में ध्यान लगाइए, और जो मुझ में ध्यान लगाता है मैं उसका ध्यान रखता हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति, कि जो मेरा ध्यान रखता है मैं हमेशा उसका ध्यान रखता हूं। तो आप इस बारे में कोई चिंता न करिए। और फिर कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि ही मामे वैश्यस्य संशयम्, कि आप मेरा ध्यान करिए और युद्ध करिए, ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर बात जैसे संदेश उनका आगे बढ़ता है, फिर भी अर्जुन बीच बीच में विचलित होते रहते हैं। तो उसके बाद फिर भगवान जब अपना विराट रूप दिखाते हैं 11वें अध्याय में, तो वो उसको विस्तार से बता देते हैं अर्जुन को कि आप जो है उसमें जो गीता का 11वां अध्याय है उसके श्लोक संख्या 32 से 34 तीन जो श्लोक है उसमें वो पूरी सच्चाई उनको बता देते। कहता तो अब आप इतना विचलित हो रहे हैं तो आप मेरे से आप सच्चाई सुनिए कि कालोस्मि लोक क्षय प्रवृत्तो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तुतः प्रत्यनिकेषु योद्धा, कि मैं इस संसार का विनाश करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूं, और ये जो जिनकी आप बात कर रहे हो कि ये युद्ध में सभी एकत्रित हैं, ये सभी जो यहाँ युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं सेनानी जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये तो तुम अगर नहीं मारोगे तब भी मरे हुए, तुम्हारे बिना भी ये मारे जाएंगे, तो इसलिए आप इस पे कोई चिंता ना करिए। और उसके बाद फिर कहते हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठय शोलभस्व जित्वा शत्रून् भोक्ष्व राज्यं स्मृद्धम् मयैवै ते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, कि ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, आपको तो एक निमित्त मात्र बनना है, आपको इसमें कोई ज्यादा कोई ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बल प्रयोग की ज्यादा आवश्यकता नहीं, ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और फिर वो बताते हैं कि विशेष जो सबसे बड़े बड़े महारथी थे कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्या नपि योध वीरान मया हतांस्त्वं जहि मा यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्ना,
कि चाहे द्रोण हो चाहे भीष्म हो चाहे जयद्रथ हो कर्ण हो और भी कितने बड़े बड़े जो योद्धा है वो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो इसलिए आप व्यर्थ में कोई ना शंका करो ना कोई चिंता करो, तो ये तो पहले ही इनका जो है मैं इनका इनको मार चुका हूं, ये तो आपको सिर्फ दिख रहे हैं। तो फिर वो उसमें बाद में विराट रूप का जो है दर्शन करते हैं और फिर अर्जुन जी के आगे जो श्लोक आते हैं उसमें वो बाद में जब इतना भयभीत हो जाते हैं उसके बाद देखने के बाद कि विराट रूप से फिर वो और ज्यादा विचलित हो जाते हैं, तो बाद में फिर वो कहते हैं 46वां जो श्लोक है 11वें अध्याय का, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कि हे भगवान मुझे आप विराट रूप अब देख चुका हूं मैं आपका और मैं अब बिल्कुल आश्वस्त हो चुका हूं, आप अपने पुराने ही जो आपका मुकुटधारी जो रूप है उसमें ही आप मुझे दर्शन दीजिए। तो उसके बाद फिर वो उनकी जो है बात बात मानने के बाद अपना वो सही रूप में जो है भगवान उसमें आते हैं। और उसके बाद जो अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय उसमें फिर बाद में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्मन्नात्मोति किल विषम। कि आप अपना जो कर्म है वो अगर करते रहेंगे तो आप कोई बात की आपको प्राप्ति नहीं होगी। और उसके बाद कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान अंत में कहते हैं कि आप सभी अपने धर्म सभी कर्म छोड़कर आप मेरी शरण में आ जाइए, मैं आपको सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। और उसके बाद जो अर्जुन गीता जी के पहले अध्याय में कह रहे थे कि मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है और गीता उपदेश के सुनने के बाद फिर वही अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि मेरा जो सारा मोह था वो नष्ट हो चुका है और मेरी जो बुद्धि है वो स्थिर हो चुकी है और अब मैं तैयार हूं कि जैसा आप कहते हैं वैसा करने को मैं तैयार हूं। और जो अंतिम जो 700वां श्लोक है गीता का, गीता में आप बच्चे जानते होंगे सभी 700 श्लोक है गीता में और सबसे बड़ा जो अध्याय है 18वां अध्याय है जिसमें 78 श्लोक है, तो उसका जो अंतिम श्लोक है तो उसमें फिर संजय अपना जो है धृतराष्ट्र जी फिर पूछते हैं कि संजय आपका क्या मत है। तो फिर वो कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण हैं और धनुर्धारी पार्थ हैं वहां पे ही मैं समझता हूं कि विजय श्री वहीं पे निवास करेगी, ये मेरा महात्म्य है। मैं मानता हूं कि सभी ग्रंथों से अधिक है। और गीता में अगर आप कर्म योग पर ध्यान देते हैं, आप अपना जो कर्म है वो सही रखिए अच्छा कर्म करिए तो उससे ही आपको सद्गति मिलेगी, आपके सभी जो है जो कर्तव्य है उनका भी निर्वहन होगा और आपकी गति भी जो है वो शुभ होगी।